जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं जो सबसे पहला थॉट माइंड में आता है वो ये आता है यार कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डर्माटोलॉजिस्ट कुछ बोलते हैं ठीक है कहीं हम कुछ कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वहां पे कुछ अलग बताया जाता है हेलो एवरी वन वेलकम टू उपासना की दुनिया कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है सनस्क्रीन और गर्मियाँ इनका तो ना ऐसे बहुत गहरा रिश्ता है जैसे बोलते हैं ना धड़कन और दिल का होता है सेम वैसे है क्योंकि हर इंसान वरिड होता है सबको लगता है यार अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे ना तो हमारी स्किन टैंड हो जाएगी स्किन खराब हो जाएगी बट एट द एंड क्या होता है बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं सनस्क्रीन के फिर भी हम लोगों के फेस पे टैनिंग होती ही होती है ठीक है तो सनस्क्रीन एक यार वो स्किन प्रोटेक्टर है बट उसकी ना हाइप बहुत ज़्यादा बन गई कि यार इसके बिना तो जिंदगी नहीं है ऐसा नहीं है आप सोचिए गांव में जो लोग रहते हैं क्या उन्हें सनस्क्रीन का पता है नहीं पता बहुत अब तो फिर भी एडवांसमेंट होने लगी पहले तो पता ही नहीं छोटे छोटे थे कॉलेज लाइफ तक जाने तक नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है और ना ही कभी अप्लाई किया मतलब अगर मैं अपनी बात करूं हम थर्टी वन नाउ और अभी तक भी मैंने कभी भी सनस्क्रीन का यूज नहीं किया है कभी भी नहीं ठीक है हम इवन गोवा गए थे तो मैं देखना चाहती थी क्या है तो मैंने पूरी बाजू पे अप्लाई करी स्टिल उतनी ही ब्लैक बाजू हुई उतनी ही टैंड हुई उतनी ही सनबर्न हुई तो कोई फायदा नहीं और इसमें भी बहुत ज़्यादा ना आजकल ट्रेंड चल पड़ा एस पी है थर्टी है एस पी है मतलब मेडिकेटेड लोग यूज़ कर रहे हैं बट आप सोचिए कि सनस्क्रीन को आप स्किन पे लगा रहे हैं ठीक है वो केमिकल्स की इतनी थिक लेयर है जो आपकी स्किन को सारा दिन कवर करके रखती है और इवन डर्मेटोलॉजिस्ट तो ये बोलते हैं बिना सनस्क्रीन के अगर आप बाहर गए ना तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी जो पोर्स है वो बहुत ज़्यादा ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे मतलब हर तरह के मिथ बन गए हैं एक्सप्लेनेशन है मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज़ है बट एज पर माय एक्सपीरियंस और माय ओपिनियन लगा लो ऑब्जर्वेशन लगा लो वी कैन से कि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी भी लेयर को हमेशा स्किन पर लगा के रखोगे तो आपकी स्किन में जो ब्रीदिंग स्पेस है वही नहीं मिल पाएगा तो मैंने ना उसका सब्सिट्यूट निकाला क्योंकि जो मिलाजमा पिगमेंटेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ठीक है ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं तो हमने अपनी नवारा ग्लो क्रीम निकाली उसके लिए मॉइस्चराइज़र निकाला अपना जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है प्योरली हर्बल वे में ठीक है उसमें यष्टी मधु हो गया एलोवेरा मतलब देर आर सो मेनी इन्ग्रीडियंट्स जो हमारी स्किन को क्लीन करते हैं तो आज मैं बताऊँगी हाउ टू मेक सनस्क्रीन एट होम बहुत ही सस्ती बहुत ही टिकाऊ और आप उसको कैसे भी बाहर लगा के जाओ सबसे बेस्ट चीज़ उसकी होगी कि वो स्किन को व्हाइट नहीं करेगी कभी भी होता है हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना स्किन कुछ टाइम तक ऐसे लगता है कुछ परत से लगा रखी है इसमें वो भी नहीं होगा और बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत ही सस्ता आप बना के इसे स्टोर कर सकते हैं और डेली दिन में दो से तीन बार आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए फिर से कह रही हूँ कि इस वीडियो बनाने का वे मतलब जिस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है ठीक है बट मैं अपनी राय रख रही हूँ आपके सामने अपना ओपिनियन कि हाँ मैंने अभी तक नहीं यूज़ की और मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा लगाने या ना लगाने के बाद भी या मैंने जिन भी लोगों से सुना क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं आप सनस्क्रीन लगा के अगर बाहर जाओगे ना मेलाजमा के केस में तब भी आपकी स्किन सही रहेगी अदरवाइज बहुत ब्लैक हो जाएगी वो केमिकल की रिएक्शंस होती हैं ठीक है सनस्क्रीन जो है एक सेकेंडरी फैक्टर है अदरवाइज आप सोचिए कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ लोग रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं स्किन तो उनकी भी डैमेज होती है इट्स तो ऑल अबाउट कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कैसा इफेक्ट है और आपके स्किन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करती है तो स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना है अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना आपको क्या करना है आपको लेना है प्योर जैसे एलोवेरा जेल ठीक है ये हमारा खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग है जैसे इस जेल की तो ये हमने बनवा के रखा हुआ प्योर फॉर्म में ठीक है ले लिया इसमें अब मुझे ऐड करना है कोकोनट ऑयल ठीक है पैराशूट का ये वाला अच्छा होता है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी एलोवेरा जेल का आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं ठीक है देखो ये मैंने ले लिया एलोवेरा जेल अब मुझे इसमें ऐड करना है लगभग हाफ स्पून जो है कोकोनट ऑयल प्योर ठीक है ये मैंने कर दिया इसमें ऐड कोकोनट ऑयल मैंने आपको क्या कहा कि इससे बेस्ट सनस्क्रीन हो ही नहीं सकती अब क्या करना है आपको इसको अच्छे से करना है मिक्स एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल को जितनी अच्छी जैसे ये इस तरह से जब तक कि इसका कलर प्योरली मिल्की वाइट ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है ये जो है ये एक सेकेंड स्टेप है बट अगर आप अपनी स्किन को जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जब वो धूप में जाते हैं ना फ्रैकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें ठीक है क्योंकि सन की रेडिएशन की वजह से जिनका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होता है उन लोगों में ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि उनके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे अभी ये बना लिया अभी मैं इसको पाँच मिनट ऐसे रहने दूंगी तब तक मुझे क्या करना है मुझे लेना है एक बनाना मैंने इसको इतना सा पीस इसका निकाल लिया ठीक है अब इस तरह से छिलके के साथ ही आपको क्या करना है इसको अपने फेस पर रब करना है डेली जब आप सुबह नहा लो ठीक है नहाने के बाद आपको क्या करना है बनाना लेना है हाफ और इससे अच्छे से ना फेस पे कम से कम दो मिनट आप रब कर लो इससे क्या होगा आपकी स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी और पोटाशियम सबसे ज़्यादा हाई होता है बनाना में और वो आपकी स्किन को ना प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी क्योंकि एट द एंड तो यार इंसान क्या चाहता है कि उसका चेहरा बहुत अच्छा दिखे और पता है हमारे ना देश में सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो मुझे लगती है कि हम कोई भी चाहे रेमेडी करते हैं या कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो हमें लगता है यार जादू हो जाए ठीक है एक रात में वो चीजें हो जाए ऐसा कभी नहीं होता आपको कोई भी प्रॉब्लम है अब मैं झाइयों की बात कर लू आ, मेरे चैनल पे पिगमेंटेशन को लेके बहुत सारी वीडियोस होती हैं वहां पे क्या बोलते हैं लोग मैम रेमेडी अच्छी नहीं है रिजल्ट नहीं मिला वहां पर बहुत अच्छे लोग होते हैं जो कहते हैं मैम बहुत अच्छा रिजल्ट मिला अब आप सोचो कि आपकी प्रॉब्लम मानो बीस साल से है ठीक है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और रेमेडी स्टार्ट करने के बाद आपने उसे वहीं स्टॉप कर दिया वो उसको वहाँ पे प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देगी रोकना शुरू कर देगी और यार प्रॉब्लम अंदर से है तो आपको रेमेडी एक्सटर्नली सपोर्ट करेगी और मेडिसिन इंटरनली आपको सपोर्ट करेगी तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं और आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ रेमेडी से चीज़ें ठीक होती ना तो डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और रेमेडी भी ना उसको टाइम लगता है ठीक करने में आप सोचते हैं कि आज किया कल इफेक्ट दिख जाए जिनमें दिखना होता है इंस्टेंट इफेक्ट भी दिखता है लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ऐसा नहीं है कि रेमेडी से आप क्योर नहीं कर सकते देर आर सो मेनी पेशेंट जिन्होंने अपने रिव्यू शेयर किए जिनकी प्रॉब्लम बिल्कुल बिगनिंग में है जैसे दो महीने तीन महीने मानो छः महीने रेगुलर उन्होंने तीन तीन महीने रेमेडीज करी उनकी झाइया भी खत्म हुई हैं बट आप दस साल को कंपेरिजन करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ठीक है आपने बनाना ये कर लिया अब क्या करना है आपको अपने फेस को सिंपली वॉश कर लेना है ठीक है ठीक है अब आपने कर लिया अब आप इसने आपके स्किन की जो इनर लेयर है ना उसको प्रोटेक्ट कर दिया अब आप आपको क्या करना है जो आपने सनस्क्रीन बनाई कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल से इसको अच्छे से मिक्स करके आप स्टोर करके रख लीजिए थोड़ा सा सिर्फ आपको इतना सा क्रीम लेनी है और जाने से पहले जो है आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर लीजिए आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं है और इससे सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि आपका फ़ेस ऑयली नहीं दिखेगा ठीक है ना ही क्योंकि आपको लगेगा यार हम कोकोनट ऑयल डालें तो हमारा फ़ेस बहुत ज़्यादा ऑयली दिखेगा जो एलोवेरा जेल है इसमें वो वाटर उसमें बहुत ज़्यादा रिच है दोनों का जब मिक्सचर बनेगा ना तो वो आपकी स्किन को ऑयली रखने से बचाएगा इस तरह से बस आपको अप्लाई करना है और आप इजीली कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं और अपनी स्किन को बचा सकते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे बनाना यूज करना फिर आप मुझे बताना कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है इसमें आप कोकोनट ऑयल की जगह कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हैं दोनों ऑयल जो है उतना ही बेनिफिट आपको देंगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ये रेमेडी अच्छी लगी हो आप लोग अप्लाई करिएगा और जरूर बताइएगा और आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हमसे कंसल्ट करना है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं फिर से रिपीट कर रही करियो बनाना लेना है अच्छे से रब करना है मसाज करनी है जेंटली उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए देन जो आपने सनस्क्रीन बना के रखी है जिसमें आपने एलोवेरा और कोकोनट ऑयल लिया बट ये अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए जितनी अच्छी आप इसको रब करोगे इसे मिक्स करोगे सपोज दस पंद्रह मिनट उतनी अच्छी तरह से ये मिक्सचर बन जाएगा आप इसे स्टोर कर लीजिए किसी कांच की बॉटल में और जब भी आपको बाहर जाना है जस्ट आप अप्लाई करके चले जाइए फेस पे ऑयल भी नहीं आएगा और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से देते रहे उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया